100% संतुष्ट है, लॉ एंड ऑर्डर गजब का है, और जो संगठित अपराधी हैं उनकी तो कमर तोड़ दिया है, एकदम अच्छा माहौल है, गुंडे और माफिया दिख नहीं रहे हैं, एक व्यापारी को इससे ज्यादा चाहिए क्या? व्यापारी को व्यापार को फलने फूलने के जो अपेक्षा होती है सरकार से, वो अपेक्षा होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और दूसरी अपेक्षा होती है सुरक्षा की जी। कि अगर व्यापारी को सुरक्षित माहौल मिले जिसमें वो फ्री होकर व्यापार कर सके, तो वो उसका पूरा फोकस अपने व्यापार की ओर होता है, और उसका ये फोकस होता है कि वो किस तरह से अपने को दो पैसा बचाते हुए समाज को भी तरक्की दे सके, समाज को उसका लाभ दे सके। तो अगर हम लोग योगी सरकार की बात करें तो निसंदेह क्राइम रेट बहुत घटा है, दंगे नहीं हुए हैं। अब कोविड आ गया तो ये तो एक वैश्विक महामारी थी, इसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन क्राइम रेट बहुत घटा है, दंगे नहीं हुए हैं, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो सुरक्षित महसूस करने में व्यापारी खुल के काम कर सकता है और व्यापार इसमें तरक्की करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रोड की कनेक्टिविटी, रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कार्य हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, गोरखपुर बहुत तेजी से विकास कर रहा है, एम्स आ गया, फर्टिलाइजर फैक्ट्री आ गई, और जिस तरह की संभावना प्रदेश में आ रही है कि बाहर की भी कंपनियां प्रदेश में अब आके व्यापार करना चाह रही है, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रही है, तो निसंदेह दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है और व्यापार इसमें तरक्की कर रहा है। लेकिन आज जब से महाराज जी की सरकार बनी है, एकदम आदमी चैन की नींद सो रहा है। प्रदेश का माहौल ऐसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, अन्य राज्यों से भी लोग आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हम लोगों की तो अपने प्रदेशवासी की तो बात ही क्या है। हमारे प्रदेश का तो महाराज जी ने जितना बढ़िया मवा दिया है, आज हम लोग एकदम निश्चिंत होके और निर्भीक भाव से एकदम व्यापार कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, मतलब कोई भय किसी किस्म की आकांक्षा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ये जरूर है सरकारी मशीनरी जो है वो अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, महाराज जी के तरफ से कोई कमी नहीं है, महाराज जी अपने तरफ से पूरा जोर लगा रखे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री तो मिलना ही मुश्किल है, न कोई होगा योगी जी जैसा नेता, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, योगी जी जैसा संत न कभी हुआ है न कभी होगा। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 साल के दौरान के अंदर में जो प्रदेश सरकार द्वारा इन सब चीजों पर प्रभावी ढंग से जो कदम उठाए गए, इसका लाभ व्यापार जगत के अलावा आम जनता को भी मिल रहा है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से प्रदेश का माहौल अगर बना रहे, आगे और 5 साल जरूरत पड़ेगी, तो मेरा मानना यह है कि इधर जो 10 साल का कार्यकाल जो आ रहा है उसमें एक नया बदलाव देखने को मिलेगा प्रदेश का, और हमारा प्रदेश बुलंदियों की तरफ जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट सा नहीं दिखता है हमको। आपके माध्यम से खुशी हुई कि आपने एक व्यापारिक भावना को जानना चाहा है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इतना ही हमारा मत है।